हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय मोबाइल टिप्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप आईआरसीटीसी ऐप से आप कैसे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले अपना आईआरसीटीसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आई प्ले स्टोर से। उसके बाद आप अगर पहले रजिस्टर नहीं किया है तो उसके लिए भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाया, वो मेरा आई बटन पे दे दिया है, वो वीडियो जाके देख लीजिए पहले कैसे रजिस्टर करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप आईआरसीटीसी से टिकट कैसे बुक करेंगे अपने मोबाइल पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है इसलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इधर कैप्चा आपको फिल करना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद थोड़ा टाइम वेरीफाई कर रहे हैं, फिर फर्स्ट प्लान माई जर्नी पे आपको क्लिक करना है और आपको डेस्टिनेशन अपना सिलेक्ट करना है। तो मेरा ऑलरेडी ये मडगांव टू ब्रह्मपुर या डेस्टिनेशन रेडी है, मैं खाली डेट चेंज करके आपको बताऊंगा। तो अक्टूबर 30 को मेरे को बुक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये डेस्टिनेशन है। आप भी आपका जितना जोन्स मुंबई दिल्ली कोई भी डेस्टिनेशन है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर सर्च ट्रेन पे आपको क्लिक करना है। देखिए ये लिख रहा है कंफर्म नो डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल बिटवीन दी एंटायर स्टेशन, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। आपको डायरेक्ट ट्रेन चाहिए कि आप चेंज करके जाना चाहते हैं, ये पूछ रहा है। तो मेरे को नहीं चाहिए तो मैं नो पे क्लिक करूँगा, तो मैं डेट सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों, इधर ये लिख रहा है सेकंड क्लास सीटिंग में वेटिंग लिस्ट है और ये स्लीपर में भी वेटिंग लिस्ट है। तो मेरे को कंफर्म टिकट चाहिए तो मैं नहीं तो डेट चेंज कर लेता हूँ। इधर मैं डेट चेंज कर लूँगा। ये देखिए नवंबर 30 को मैं कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा इधर टिकट अवेलेबल है, सेकंड क्लास टू एसी का अवेलेबल, स्लीपर एसी है, थर्ड एसी भी बुकिंग है। तो आपको कौन सा, मेरे को स्लीपर बुकिंग करना है इसलिए मैं स्लीपर पर क्लिक करूँगा। ये देखिए दोस्तों, 810 रुपये का आपका फेयर प्राइस है उस ट्रेन का स्लीपर में। तो मैं पैसेंजर डिटेल्स से आपको क्लिक करना है। ये आपको थोड़ा कंफर्म करने के लिए आपका एडवाइस पूछेगा, आपको एग्री करना है। मैं इधर सिलेक्ट योर पैसेंजर, मैं ऐड पैसेंजर ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और जो भी पैसेंजर आपको जाना है उसका एज, डेट और फीमेल सिटीजन सब डालना है। और ये ब्रीथ प्रेफरेंस, ये सीट है, आपको साइड लोअर चाहिए या मिडिल में चाहिए या अपर में चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं साइड लोअर। फिर एड पैसेंजर पर आपको क्लिक करना है। इधर आपको एड्रेस डालना है। तो पहले मैं पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, तो मैं एड्रेस खाली डालना है।
इधर देखिए, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस पूछेगा, आपके पास है तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करना है आपको। देखिए दोस्तों, अब सिंपल सा आपका एड्रेस देना है और पिन कोड देना है, और इधर आपको पूछ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फ़ोनपे वॉलेट यूज़ करते हैं या UPI यूज़ करते हैं। तो मैं इधर फ़ोनपे यूज़ करते हैं, वॉलेट से यूज़ करते हैं, इसलिए मैं वॉलेट पे टिक करके देखिए दोस्तों, इधर एक कैप्चा आएगा साउंड में आपको पूछेगा। ZERO 9 7 1 देखिए, इनबिल्ड कैप्चा लिख रहा है, तो मेरे को कैप्चा ठीक से फिल करना है मेरे को। 9 3 8 0 ओके, मैं प्रोसीड पे आप क्लिक करता हूँ। इधर देखिए, आपको पेमेंट का ऑप्शन में पूछेगा, आपका वॉलेट है, फ़ोनपे है, जियो मनी, पेटीएम, इधर मल्टीपल पे ऑप्शन है, इधर देखिए फ़ोनपे है, तो मैं फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर पे पे क्लिक करूँगा। इधर देखिए दोस्तों, अब जैसे ही अपना नंबर इधर ऐड करेंगे, उसके बाद आपको एक मोबाइल पे OTP आएगा, सेंड OTP करेंगे, ऐसे ही आपका टिकट बुक हो जाएगा।